हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो लेसन है फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन होगा उन लोगों के लिए जो माउथ ऑर्गन सीखना चाहते हैं और माउथ ऑर्गन पे गाना बजाना चाहते हैं। आज मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें शेयर करने जा रहा हूं फ्रेंड्स, कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपको किसी माउथ ऑर्गन टीचर से शायद न मिले। और जो भी माउथ ऑर्गन टीचर्स हैं वो जनरली इन बातों को अवॉइड करते हैं बताने से अपने स्टूडेंट्स को। तो आज मैं वो सब बातें आपको बताने जा रहा हूँ, वो सब सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ, वो ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप माउथ ऑर्गन बहुत ही इजीली सीख सकेंगे और बजा सकेंगे अच्छे अच्छे गाने, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं हर एक स्टेप में ऐसे ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही आपके काम में आएंगे, आपको माउथ ऑर्गन सीखने में हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूँ कि मैंने माउथ ऑर्गन कैसे सीखा। फ्रेंड्स, मैंने जब माउथ ऑर्गन सीखा तो उस समय मैं क्लास 9 में था, तो बहुत दिन पहले की बात है। उस समय यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, ये सब व्हाट्सएप नहीं था, इंटरनेट भी उतना डेवलप नहीं था और माउथ ऑर्गन के टीचर्स भी मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे नहीं थे, और माउथ ऑर्गन का ऐसा कुछ किताब विताब भी नहीं मिलता है जहाँ पे आप सीख सकें। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने माउथ ऑर्गन कैसे सीखा, ना कोई टीचर थे, ना यूट्यूब था, ना फेसबुक था, ना इंटरनेट था। तो फ्रेंड्स, मैंने कैसे सीखा, एक्चुअली क्या हुआ था फ्रेंड्स, मुझे मेरे एक दोस्त ने माउथ ऑर्गन गिफ्ट किया था। चाइनीस एक मॉडल था, हीरो कंपनी का माउथ ऑर्गन था, प्लेन यही इसी तरह का विदाउट स्केल चेंजिंग ट्रेमोलो था, यही 24 बॉक्सेस का। तो उसने मुझे दिया, तो मैंने कहा कि तू मुझे दे रहा है ये माउथ ऑर्गन लेकिन मुझे तो बजाना आता ही नहीं है, तो मैं लेके क्या करूँगा। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे अच्छा लगा, तू म्यूज़िक पसंद करता है तो मैंने तुझे दिया है, अब तेरे ऊपर है, तू चाहे बजा, चाहे फेंक दे, चाहे सीख, जो करना है तुझे कर। तो फ्रेंड्स, मैंने माउथ ऑर्गन तो ले लिया। अब ऐसा होता था, जब ही मेरे सामने माउथ ऑर्गन पड़ जाता था, दिख जाता था, मैं अपने टेबल पर रखता था, कभी अलमीरा में रखता था, तो जब कभी मेरे आँख के सामने ये पड़ जाता था तो मैं उठा के बस पकड़ लिया, ऐसे जो भी मन में आता था बस पैपू पैपू करके बजाता था। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि पकड़ना कैसे है, मोटे जहाँ से मोटा आवाज़ आ रहा है उसे क्या लेफ्ट साइड में रखना है, जहाँ से पतली आवाज़ आ रही है उसे क्या राइट साइड में रखना है, बस मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं जैसे जैसे हाथ में आया बस ऐसे आ गया, इस तरह से मैं 10-15 मिनट इस तरह से बजा लेता था। तो घर वाले भी बहुत ही नाराज़ हो जाते थे ये पैपू पैपू सुन के, गुस्सा भी जाते थे कि तू क्या मतलब एक न्यूसेंस फैला रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है सबको, पैपू पैपू, ना सुर निकल रहा है ना आवाज़ अच्छी निकल रही है। तो लेकिन मैं फिर भी लगा था, मतलब हर एक दिन 10-15 मिनट निकाल के बस ऐसे लेके इस तरह से बजाता था। तो मैंने ये काम 1.5 से 2 महीने मैंने किया, हर एक दिन 10-15 मिनट के लिए मैं ले लेता था माउथ ऑर्गन, बस ऐसे पकड़ लिया, जो भी मनाया यहाँ बजाया, वहाँ बजाया, यहाँ बजाया, और फिर मैं कोशिश करता जो गाने के धुन हैं, जैसे है अपना दिल तो आवर, है अपना दिल, तो मैं गाने की कोशिश करता था इसी में, है अपना दिल, मैं इसी में अपने मुंह से गाने की कोशिश करता था, लेकिन गाना गाने से थोड़े माउथ ऑर्गन बजता है, लेकिन मैं कोशिश करता था बस वही गाने को ट्यून को दिमाग में रख के इसी में बजाने का। तो शुरुआत में तो कुछ भी नहीं आता था, बस ऐसे ही पैपू पे होता था। तो करीब 1-1.5 महीने बाद मुझे थोड़ा बहुत आइडिया होने लगा फ्रेंड्स कि हाँ, यहाँ मैं फूक रहा हूँ तो पतली आवाज़ निकल रही है, यहाँ निकल रहा मतलब फूक रहा हूँ तो थोड़ी सी मोटी आवाज़ निकल रही है, यहाँ जब मैं फूक रहा हूँ तो बहुत मोटी आवाज़ निकल रही है, जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूँ राइट की तरफ जा रहा हूँ आवाज़ पतली होती जा रही है। तो ये सब मुझे आइडिया होने लगा अपने आप, यहाँ से मोटी आवाज़ निकल रही है, यहाँ से पतली आवाज़ निकल रही है, तो और आवाज़ मोटी से पतली इस तरह से बढ़ रही है ऐसे। इतना मुझे 1 महीना में आइडिया हो गया कि इधर से मोटी आवाज़ निकल रही है और राइट हैंड में जा रहा हूँ तो यहाँ से पतली हो जा रही है, और बीच में आवाज़ में जब बीच में बजाता था तो मुझे लगा कि यहाँ पे जो रेंज है यहाँ पे मीडियम रेंज की आवाज़ निकल रही है, ना जो बहुत ज़्यादा मोटी है ना बहुत ज़्यादा पतली है। तो मुझे लगने लगा कि हाँ, इस रेंज में मैं गाना बजा सकता हूँ, इस रेंज में, ये बीच वाला जो रेंज है, इधर से गाना नहीं बजेगा मोटे रेंज में, पतले वाले से एकदम नहीं बजेगा, ये बीच वाला जो जगह है यहीं पर मुझे गाना मतलब मैं बजा सकता हूँ। तो मैं इसी रेंज में फोकस करने लगा, ठीक है, समझ लीजिए वही 9-10 बॉक्स से लेकर 16 नंबर बॉक्स के,
जहाँ से सारे गम पद निशा बसता है फ्रेंड्स। ये मैंने अपने आप अंदाजा कर लिया, मुझे किसी ने बताया नहीं, बस बजाते बजाते मुझे आइडिया हो गया कि इस रेंज में बहुत अच्छी आवाज़ें निकल रही हैं, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं निकल रही, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं निकल रही है, तो इसी रेंज में शायद गाना बजेगा। तो अनजाने में मैंने वही सारे गम पद निशा जिस रेंज में बसता है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको एक लेसन दिया है कि 9 नंबर बॉक्स से सा बसता है, फिर रे, फिर ग, फिर म, प, ध, नि, सा, 16 नंबर बॉक्स तक, तो इसी रेंज में फ्रेंड्स मैं बजाने लगा। अब एक दिन जब मैं इस तरह से बजा रहा था, जब मैंने बजाया तो मुझे लगा कि हाँ ये तो ये सा तो निकला यहाँ से, फिर मैंने बाद में जाके खींचा यहाँ से, देखा अरे ये तो रे निकल रहा है, फिर मैंने फूका ये तो ग निकल रहा है। इसी तरह ट्रायल एंड एरर मेथड से फ्रेंड्स मैंने ये सारे गम पद ध्वनि सा सीख लिया अपने आप। और ये किस लिए हुआ, क्योंकि मैं डेली 10-15 मिनट लेके बस ऐसे ही बजाता था, बजाते बजाते फ्रेंड्स मुझे आइडिया हो गया कि कहाँ से क्या आवाज़ निकल रही है, ठीक है। तो जब मुझे ये सारे गम पद निशा का आइडिया बन गया फ्रेंड्स, तो देखिए कोई भी गाना इसी सुर में, सारे गम पद निशा के अंदर ही सब गाने हैं, ठीक है, ज़्यादातर गाने। तो अब मैं गाने बजाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि ये तो मुझे आइडिया हो गया था कि यहाँ मैं फूकूंगा तो किस तरह का आवाज़ निकल रहा है, यहाँ जब खींचूंगा तो किस तरह का आवाज़ निकलेगा, यहाँ जब फूकूंगा तो कैसी आवाज़ निकलेगी, ये मुझे दिमाग में आइडिया हो गया। उसके बाद मैंने पहला गाना जो ट्राई किया था वो है अपना दिल तो आवारा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि हाँ ये बीच वाला जो रेंज है इसी में गाना बजेगा, तो मैं यहीं पर रख के है अपना दिल ट्राई करने लगा, ठीक है। ऐसे है अब अच्छा ट्यून आपको जानना है, किसी भी गाने का बोल आपको जानने की जरूरत नहीं है, लिरिक्स जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ट्यून जानना है, जैसे टेरे टेरे टे। तो मैं अंदाज से इस तरह से इस ट्यून को दिमाग में रख के बजाने की कोशिश किया मैंने इस तरह से। तो पहले तो इस तरह का हो रहा था अपना दिल नहीं, और फिर दो तीन बार जब मैंने कोशिश किया तो ये इस तरह से धुन निकल गया कि है अपना दिल, मतलब मोटे से शुरू हो रहा है फिर पतले हो रही है धुन, है अपना दिल, दिल में पतला है, तो जब पतला है तो मुझे इस तरह जाए, इतना तो आइडिया मुझे हो गया था, यहां से मोटा निकलेगा और इधर जब राइट साइड में जाने लगूं तो पतली हो जाएगी आवाज, पतली आवाज, पतली ट्यून निकलेगी। तो है अपना दिल, है अपना दिल, दिल में थोड़ा सा पतला है, ठीक है। तो मैं मोटा से शुरू करता हूं, अपना दिल, दिल में पतला, फिर तो आवारा, आवारा में फिर मोटी आवाज, तो मुझे फिर मैं जानता था मोटी आवाज निकालने के लिए मुझे इस तरफ आना है जहां से मोटी आवाज निकल रही है। तो न जाने दिल, दिल में बहुत ज्यादा पतली भी नहीं, बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं, न जाने दिल मीडियम का, तो मीडियम है तो मुझे बहुत ज्यादा इधर नहीं जाना है, क्योंकि जितना मैं राइट जाता जाऊंगा पतली होती जाएगी। तो ये है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे, ये बहुत ज्यादा मोटी आवाज नहीं है, बहुत ज्यादा पतली भी नहीं है, तो इस रेंज में होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने ट्यून के हिसाब से कहाँ पे ट्यून पतली होगी, कहाँ पे मोटी होगी, मैंने ट्रायल एंड एरर मेथड से ये गाना मैंने बजा लिया, ठीक है। तो एक गाना जब मैंने बजा लिया तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, और क्योंकि ये आइडिया मुझे हो गया था कि कहाँ से, कहाँ फूकने से कैसी आवाज़ निकल रही है, जैसे कि एट नंबर जो बॉक्स है यहाँ फूकूंगा तो किस तरह का आवाज़ निकलेगा, नाइन्थ में मैं फूकूंगा तो कैसी आवाज़ निकलेगी, टेंथ में जब मैं खींचूंगा तो कैसी आवाज़ निकलेगी, मोटी या पतली, या कितनी मोटी या पतली, ये जो रेंज है मेरे दिमाग में सेट होने लगा। और ये फ्रेंड्स आपके दिमाग में भी सेट होगा, क्योंकि मैंने इसी तरह से सीखा है, मैंने माउथ ऑर्गन किसी टीचर से नहीं सीखा, यूट्यूब से नहीं सीखा, फेसबुक से नहीं सीखा, बस अपने आप मैंने सीखा है इसी आइडिया करके। तो आप भी जब माउथ ऑर्गन लें तो आप माउथ ऑर्गन लेके आप सारे गम तो मैंने आपको सिखा दिया, यहाँ तो मैं आपको ये लेसन मिल गया है, बस सारे गम पद निशा इस रेंज में आप प्रैक्टिस कीजिए इसे, ठीक है। बार बार सारे गम पद निशा बजाइए, एक महीना तक आप यही बजाइए, बजाते बजाते आपको ये आइडिया हो जाएगा कहाँ पे क्या फूकने से किस तरह का आवाज़ निकलेगा, कहाँ खींचने से क्या आवाज़ निकलेगा। उसके बाद आप यहाँ जो इस जो ये जो रेंज है इस रेंज में आप थोड़ा बहुत इस तरह से बजाने लगे, यहाँ से देखिए सारे गम पद ध्वनि से निकल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पतली जहाँ से आवाज़ निकली एकदम राइट साइड में, यहाँ से भी आप आवाज़ निकाल सकते हैं सारे गम पद ध्वनि, तो देखिए इस रेंज में भी सारे गम पद ध्वनि से निकल रहा है। तो मोटे रेंज में मतलब एकदम फर्स्ट
बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स से लेकर नाइन्थ बॉक्स के अंदर भी आप सारेगा पधनिशा निकल रहा है, नौ से लेकर सोलह में भी सारेगा में पधनिशा निकल रहा है, और फिर सोलह से लेकर चौबीस के अंदर भी आपको सारेगा पधनिशा उस रेंज में भी आपको निकलेगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर गाने बजेंगे यही नाइन से लेके सोलह नंबर बॉक्स, नाइन नंबर बॉक्स से सोलह नंबर बॉक्स में मैक्सिमम गाने आपके बजेंगे, बीच में कभी कभी आपको सात या छः या तीन पाँच नंबर बॉक्स में भी आना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जो मैं ये कह रहा हूँ, आप नाइन से लेके सोलह के बीच जो सारेगा पधनिशा जो मैंने आपको लेसन दिया था, आप इसे बजाइए, इसे प्रैक्टिस कीजिए। ये जब आपका एकदम अच्छी तरह से आने लगे, जब आपको ये आइडिया होने लगे कि हाँ सा कहाँ से निकल रहा है, रे कहाँ से निकल रहा है, ग कहाँ से निकल रहा है, तो अपने आप आपको, अगर आप गाने की ट्यून जानते हैं तो अपने आप, मैं आपको एश्योर करता हूँ, आप अपने आप बजाने लगेंगे, ये आपका दिमाग इसी से ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। ये सिखाना नहीं पड़ेगा, दिमाग इतना हमारा डेवलप्ड होता है कि वह ऑटोमेटिकली इस बात को समझ जाएगा कि आप कहाँ फूकेंगे तो किस तरह का आवाज़ निकलेगा, कहाँ खींचेंगे तो क्या आवाज़ निकलेगा, ठीक है। ये जब आपका प्रैक्टिस हो जाए तो आप यहाँ जहाँ से मोटा आवाज़ निकल रहा है यहाँ भी आप थोड़ा बहुत बजाते रहिए। ये भी अगर एक सप्ताह इस तरह से सारेगा पधनिशा, तो यहाँ भी आपको आइडिया हो जाएगा कि एक नंबर बॉक्स में फूकने से कैसा आवाज निकलेगा, बी में खींचने से कैसा निकलेगा, सी में कैसा निकलेगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, आपको ये पूरा जो 24 बॉक्सेस हैं, आपको पूरा 24 बॉक्सेस का आइडिया हो जाएगा कि एक नंबर बॉक्स में फूकूंगा तो कैसा आवाज निकलेगा, 24 नंबर बॉक्स में मैं खींचूंगा तो क्या आवाज निकलेगा, 23 में खींचूंगा तो क्या निकलेगा, आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। एक बार अगर दिमाग में ये सेट हो गया तो आप कोई भी गाना आराम से बजा सकते हैं, बस आपको ट्यून जानना है गाने का और आपको कुछ नहीं जानना है। इसलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, आपको कोई नोटेशन कहीं पे सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप नोटेशन देख देख के अगर आप सीखेंगे माउथर्गन तो मेरे ख्याल से सीखना मुश्किल है या बहुत टाइम लग जाएगा, उतना शायद आपके पास पेशेंस भी ना रहे। इसीलिए ये इजी मेथड है, इससे आप मतलब इसे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैंने जब सीखा है इसी मेथड से तो आप भी इसी मेथड से सीख सकते हैं और बहुत अच्छे गाने बजा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो मैंने किया आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, आप सारेगा पधनिशा नाइन से लेकर सोलह नंबर बॉक्स में आप बजाते रहिए। ये जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप एक नंबर से लेकर नाइन नंबर बॉक्स में सारेगा पधनिशा जो होगा उसे आप बजाइए, फिर आप सोलह नंबर से 24 के बीच का जो सारेगा पधनिशा जो श्रिल में बहुत ऊंची आवाज़ में निकलेगी वहाँ भी आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपको ये 24 बॉक्सों का 24 जो घर है इनका पूरा आइडिया आपको दे दे हो जाएगा, और ये अगर आप एक महीना करते हैं तो फ्रेंड्स आपको ये ऑटोमेटिकली ये दिमाग में बैठ जाएगा, मैं इसको आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसे ही बैठ गया था। और एक बार ये जब बैठ गया तो फ्रेंड्स बस आप ट्यून जानेंगे, अपने आप आपका वहाँ पे होट अपने आप चला जाएगा। जैसे ये गाना ले लीजिए, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, देखिए अपने आप मेरा दिमाग सेट हो गया है, अपने आप मेरा होट वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, बस आपको ट्यून जानना है। देखिए मैंने बस दिमाग में सेट हो गया कि हाँ यहाँ फूकूंगा तो ये ट्यून निकलेगा, यहाँ खींचूंगा तो ये ट्यून निकलेगा, तो अपने आप मैं ट्यून जानता हूँ, ट्यून के हिसाब से अपने आप मेरा होट यहाँ से इस तरह से मूव होने लग रहा है, ठीक है। और ये आपके साथ भी होगा, आप भी एक महीना अगर आप जो मैंने मेथड बताया ये आप प्रैक्टिस कीजिए, एक महीने बाद मैं आपको वादा करता हूँ आप भी गाने अच्छी तरह से सीख जाएंगे और बजाते रहेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स कुछ भी पूछना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो मैं आपको क्लियर करूँगा, आप मुझे बस पूछिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा और आपका कोई भी प्रॉब्लम मैं उसे सलूशन देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्यूचर में भी मैं आपको और कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा, अच्छे अच्छे लेसन दूंगा, ताकि आप गिटार और माउथ ऑर्गन दोनों अच्छे सीख सकें, अच्छे प्लेयर बन सकें, ठीक है। टिल द नेक्स्ट लेसन, बाय बाय।